दोस्तों आज इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सोर्स बन चुका है, जिसकी मदद से आप अपना कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। जहां तक देखा जाए यह आज इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, मानो जीने के लिए सांस। कपड़ों से लेकर राशन तक सभी चीजें इस सोर्स के जरिए आपको आसानी से मिल जाती हैं। देश दुनिया की खबर लेनी हो या देश दुनिया की खबर देनी हो, पल भर में इंटरनेट की मदद से ये किया जा सकता है। ब्रेकअप से लेकर पैचअप तक आप सब काम इसके जरिए कर सकते हैं। देखा जाए तो ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक नशा है। इंटरनेट को यूज करते करते लोग आज इंटरनेट में जीने लगे हैं। बेशक आप अपने पिता से प्यार से बात ना करते हो, लेकिन सोशल मीडिया फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोले बिना आपका दिन और रात नहीं होता। देखा जाए तो इंटरनेट के फायदे हैं तो नुकसान भी ज्यादा है। हम ये नहीं कह रहे कि इंटरनेट बिल्कुल ही खराब है, लेकिन इंटरनेट के नुकसान को आज की युवा ने इस तरह से गले लगाया है कि अगर वो इससे बिछुड़ जाए तो मानो उनकी मौत हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इंटरनेट से होने वाले नुकसान की जानकारी लाए, जिसे देखने के बाद आपको महसूस होगा कि आप कितने बड़े दलदल में फंस चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बर्बादी से रूबरू होने के लिए। इंटरनेट ने हमारे काम को आसान कर दिया है। घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंड्स में कर दिया है। इस इंटरनेट के जरिए आसानी से सब कुछ हो सकता है। घर का राशन लाना हो या कहीं घूमने जाना हो, बस एक क्लिक से सारे काम हो जाते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो अनजानों को अपना बना लेता है, पर कुछ चिमकांडी हरकतों की वजह से यह हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इंटरनेट ने हमारे जीवन के मायने बदल दिए हैं। बेशक इसने हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा कर दिया है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इसने हमारी जिंदगी का डामाडोल भी कर दिया है। इन दिनों इंटरनेट एक ऐसी आवश्यकता बन गई है जिसे मानव को जीने के लिए सांसे। सोशल मीडिया पर चिट चैट मानो इतना प्यारा हो गया है कि इसके लिए लोग खाना पीना तक छोड़ देते हैं। हम इंटरनेट के जितना करीब जाते जा रहे हैं, उतना ही दूर अपने परिवार वालों से होते जा रहे हैं। माँ का प्यार, पिता की डांट से आज हम इतना दूर हो चुके हैं कि चाहकर भी हमें कोई उनके पास नहीं ले जा सकता। कुछ लोगों का ये कहना है कि इंटरनेट ना हो तो बत्ती गुल हो जाती है, लेकिन उन समझदार लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी के पास कौन सा फोन था, ओप्पो या रेडमी नोट 4? जिस उम्र में बच्चे बाहर जाकर बैट बॉल खेलने में टाइम बिताते हैं, उसी उम्र के बच्चे घर में बैठकर पबजी खेल रहे हैं। दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर समय बिताना गलत नहीं है, पर जरूरत से ज्यादा समय बिताना गलत है। इस इंटरनेट के लोग इतने आदि हो चुके हैं कि इसके बिना एक पल भी नहीं जी पाते। इंटरनेट की ये बीमारी युवाओं में ज्यादा पाई जाती है। रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मदद करने की जगह लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। वहीं इस सोर्स के दो सबसे बड़े नुकसान ये हैं। नंबर एक, एडल्ट चीजें देखना। अगर आप इंटरनेट पर गलत फोटोज या वीडियोस देखते हैं तो आपके दिमाग पर सबसे पहला असर होता है। हमारे सोचने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, हमें इस तरह की चीजों की लत हो जाती है, और आपको अपने पार्टनर को देखकर उतनी खुशी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि आपको अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। आपने ये चीजें महसूस की होंगी कि अपने पार्टनर से मिलकर आपको कैसा लगता है, इसलिए आप इन चीजों को जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए, क्योंकि इन चीजों का आदि होने के बाद आप बर्बादी के उस मकाम पर होंगे जहां से शायद आपको कोई वापस ना ले पाए। नंबर दो, पर्सनल डिटेल्स लीक होना। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है, अगर आप किसी भी साइट पर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करते हैं तो आपकी पर्सनल डिटेल लीक हो सकती है, जिसकी वजह से कई बार आपको ऐसे मैसेज पर ईमेल आने लगते हैं जिसकी आप कल्पना चाहकर भी नहीं करना चाहोगे। कई बार आपको धमकी भरे मेल्स भी आने लगते हैं, जिसकी वजह से आप वो कदम उठा लेते हैं जो आपके परिवार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन जब भी आप किसी भी चीज को यूज करते हैं तो उसको हैक करने का लोगों ने पहले से प्लान बना रखा होता है, जिस वजह से आपकी पर्सनल डिटेल्स और चीजों के साथ शेयर हो जाती है और आप इस घटना के शिकार हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और क्या आप इन बातों से सहमत हैं हमें कमेंट में बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।